अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो वो देखें, सनान भाई और कयूम भाई बाहर खड़े हुए, और ये सनान भाई की टांग जख्मी है। सनान भाई, ये क्यों जख्मी है? मोर चला गया है। तो गाइस, हमारा मोर जो है वो उड़ गया, भाग गया, और वो मोर बहुत ही महंगा था। कितने का था सनान भाई? कम से कम 50,000 का हमने लिया था। मोर देन 50,000। और हमारे कबूतर भी मर गए, चार रह गए, गलनंगी मुर्गी मर गई, और वो ब्लैक वो मर गया, टाइगर नहीं, और वो क्या था, टर्की बर्ड। वो छोटा चूजा कहाँ है? कौन सा छोटा बेबी चूजा? वो भी यही है, लेकिन गाइस हमें दुख मोर का है। अच्छा, मोर कैसे उड़ा है? इधर आओ, आपको बताता हूँ गाइस। इधर आए शेरियार भाई, उस दिन लास्ट जो व्लॉग था ना, तो मोर यही नीचे था। शेरियार भाई ने उसको डराने की कोशिश की कि अंदर कमरे में जाओ, वो ऊपर छत पे चला गया। तो वो साथ उन्हें जो आंटी है, फिर वो सामने छत देख रहे हैं, ऊपर वहाँ खड़ा हुआ था। 7:30-8 बजे का टाइम था। फिर मोर जो है, वो आंटी ने उसको डराने की कोशिश की, ऐसे मारा है कहीं। वो मोर नीचे आने की जगह वो रिवर्स चला गया, और वो इतना लंबा उड़ता हुआ चला गया कि वो आगे बड़े बड़े दरख्त हैं, शाम रात का टाइम था, वहां चला गया। हम लोग उसको ढूंढते थे, कोई नहीं मिला। हम लोगों ने 3-4 घंटे मैंने शरियार भाई ने ढूंढा, नहीं मिला। लोगों से पूछा, लोग कहते हैं कि हमने देखा ही नहीं, और इतनी बड़ी चीज किसी ने ना देखी हो तो ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। फिर आगे पीछे ढूंढते रहे, नहीं मिला। मुझे हमें लग रहा है कि हमारे यहाँ पे जो पड़ोसी हैं, आगे के जो लोग रहते हैं, उन्होंने ना क्या किया है कि पकड़ लिया और घर में रख दिया, या फिर बेच कर आ गए। अभी हमने बाजार जाना है और जाके वही वाला मोर ढूंढना है, अपना राजा मोर ढूंढना है। तो गाइस, हमें बहुत दुख है हमारे मोर का, बड़ी मुश्किल से लाते हैं हम, क्योंकि आपको पता है आजकल हमारे व्लॉग्स भी कम आ रहे हैं, क्योंकि मैं और सनान भाई जॉब कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो इस वजह से और उल्टा हमारा नुकसान होता जा रहा है, और ना व्यूअर्स आ रहे हैं, ना आप सब्सक्राइब कर रहे हो। कम से कम सब्सक्राइब तो करो, हमारा इतना नुकसान हुआ है। तो इस पे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बनता है। अच्छा, हमारा टर्टल भी चला गया है। हाँ, हमारे कबूतर भी 4 रह गए। हाँ, और भी चला गया। चूजे कितने चले गए? चूजे भी चले। 16 डक्स मर गई। 3 डक्स रह गए, वो भी वहाँ बिजी है, खाना खा रही है, पानी पी रही वो है। तो दिखाते हैं ना अभी आपको अपने जो बर्ड्स रह गए कम, अभी वो दिखाते हैं। पहले मैं आपको अपने फार्म का रिव्यू कराता हूँ, बारिशों में फार्म का क्या हालात है, क्या क्या वो भी दिखाते हैं। और अभी सफाई भी बहुत हमने की है, और ये खास हम हमारा कयूम भाई दोस्त है, और ये FC के हैं, आर्मी के, खास हम इनको लाए काम करवाने, क्योंकि दोस्त दोस्त होता है, भले FC का हो या आर्मी का हो, दोस्त दोस्त होता है। तो इसलिए इनको हमको लाएँ काम करवाने, और सारा काम जो है ना 90% इससे करवाया, बाकी 10% मैंने और सनान भाई ने। ऐसे ही है कयूम भाई? बिल्कुल ऐसे ही है। तो आए दिखाते हैं कयूम भाई कि क्या क्या हमने काम किया। हम लोगों ने पहले ये बांधे हैं, फिर उसके बाद ये बांधा है, इसको भी बांधा है, ये देखें, ये सारा दरख्त बांधा है, फैल गया था, ये भी उठाएंगे अंगीठी यहाँ से, साइड पे करेंगे, सफाई करेंगे, अभी टाइम बहुत है। लेकिन बारिश शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई, और हमने बोला अंधेरा भी होने वाला है, तो पहले काम करते हैं, फिर अभी हम इनको बताते हैं कि हमने क्या क्या काम करना है। ये देखें, ये हमने बांधा है, ये वाला कयूम भाई ने हमारे साथ बंधवाया, ये वाला देखें, ये सारे जो ना फैल गया था, अभी हम देख रहे हैं, ये भी हम सफाई करेंगे। हाँ कयूम भाई, बिल्कुल बिल्कुल सफाई, सारे सफाई करेंगे। ये देखें परिंदे, वो देखें गाइनिया फॉल, वो घूम रही है, डक्स वो रही, साथ साथ थोड़े आपको बर्ड्स भी दिखा दूँ ना मैं, हीरा मुर्गा देखें, इसका केज देखें कितना गंदा है। तो अब ये सब क्लीन हो जाएगा, नेक्स्ट व्लॉग में आपको सब क्लीन नज़र आएगा। ये देखें अब ये कितनी गंदे है, वहाँ देखें कितनी गंदे। ये देखें हमारी काली मुर्गी के 3 चूजे रह गए, ये रहे 3 चूजे, और ये इनकी माएँ सनान पर अभी भी लगे हुए साफ़ सफाई में। और ये देखें इसको बांधा है हमने, देखें शहतूत को, और ये जामुन का दरख्त गिर गया था पूरा, ये हमने बड़े बड़े रॉड इनके साथ बांधे ताकि ये टूटे ना, और इनको बांधा है। ये नीम के दरख्त का हमारी चोटी टूट गई है, देखें तेज़ हवा की वजह से, माशाल्लाह दरख्त तो मोटा हो गया, बड़ा हो गया, लेकिन उसकी चोटी टूट गई है। ये देखें जंगल बनता जा रहा है हमारा फार्म। इसके साथ हमने देखें बांस बांधा है चीकू के साथ, ये गिर रहा था, और इसके साथ हमने जो है बांस बांधा है पतला वाला, ये देखें ये रहा बांस, आपको नज़र आ रहा होगा, ये गिर गया था, और इसके साथ हमने मोटा राड बांधा, ये देखें ये रहा राड, और इसको पूरा हमने कवर किया, क्योंकि फैल गया था, नीचे गिर रहा था, यहाँ लग रहा था, और इस बैल को जो दरवाजे के आगे आ रही थी, हमारे दरवाजे को कवर करती थी, इसको हमने यहाँ से बांधा है, और यहाँ से हम इसको ले गए ऊपर, अब ये जाएगी छत पे। ये है चंबेली की बैल, ये देख सकते हैं आप, अभी चेंजिंग कर रहे हैं साफ़ सफाई, देखें गंद कितनी है, टोका पड़ा, ये गंद ये सारी अभी हमने साफ़ करनी है। ये देखें इसके कितने प्यारे फूल हैं, और ये कितना बड़ा हो गया, जो हमारे पुराने व्यूअर्स उनको याद होगा, जब ये मैंने ला के लगाया था ना, तो ये इतना था, इतना, तो आज ये मेरे कद कद से ऊँचा है। जी सनान भाई, क्या हाँ केला जल गया, आम के लगे हैं 2 छोटे आम के, ये नींबू है इसके पत्ते उड़ गए, और यहाँ हमारे 2 केले थे, एक जल गया था, दूसरा बड़ा होता वो भी जल गया। केला पता नहीं क्यों जल रहा है, यहाँ लग नहीं रहा, सब जल रहे हैं, सब जल रहे हैं। और ये देखें ये हमारा दरख्त कितना बड़ा हो गया, और बाकी ये फार्म का व्यू चेक करेंगे, देखें
सारे दरख्त बड़े बड़े हो गए, हरियाली हो गई है, दरख्त बड़े हो रहे हैं, परिंदे गायब होते जा रहे हैं, घास बड़े हो गए, परिंदे भी और लेकर आए ना सनान भाई, इंशाल्लाह आपकी जो सैलरी आएगी उसमें से लेके आएंगे। चलें जो मेरी सैलरी आएगी इसमें से अभी हम मोर के बच्चे लाएंगे और कुछ और परिंदे जो आपके लिए सरप्राइज हमने आर्डर किए हुए, थोड़ा हमारे पास पैसों का इशू, इंशाल्लाह वो हल हो जाए तो हमने एक हमारे जानने वाले उनको बोला वो हमें वो परिंदे ला के देंगे। हाँ कयूम भाई, बिल्कुल कयूम भाई भी एफसी में होते हैं तो इनके भी थोड़े ताल्लुकात हैं, ये भी बॉर्डर में परिंदे आते रहते हैं ना पकड़ेंगे, ये भी हमें कुछ मंगवा के देंगे, इनको हमने बोला हुआ अगर हमारा मोर बॉर्डर क्रॉस कर रहा हो तो उसको शूट कर दो, हमें बेवफा चीज नहीं चाहिए। सनान भाई खैर मोर का बड़ा दुख है यार, मजाक अपनी जगह, तो तकरीबन वो मोर देन 50,000 का हमने लिया था और बड़ी मुश्किल से लिया था, तो अब उसको गया उसका बड़ा दुख है, कयूम भाई को भी है, हमने काफी दिनों ढूंढा है, कयूम भाई ने साथ ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। हाँ कयूम भाई बड़ी कोशिश की, बहुत कोशिश की, बहुत। चले आपको बर्ड्स दिखाते हैं फिर उसका सफाई करनी है, कयूम ऐसे ही करें। चले वो देखें, वही टर्की बर्ड की दुम कहाँ गई, टर्की बर्ड, अच्छा इसके साथ जो दूसरी थी वो गुम हो गई है, मुझे यार वो बीमार बहुत हो गई थी उसको काट दिया, मरने वाली थी, अच्छा। उसको हमने काट दिया, उसके पोटे के अंदर कांच थे, जो पोटा नहीं होता अंदर जिसमें खाना जाता है उसमें कांच थे, वो बड़ा ही नहीं हो रहा था, उसके पर गिरे होते थे, डॉन कितना बड़ा हो गया, सुना डॉन को लेकर आना जरा देखा, इसके कितने बच्चे रह गए, किसके वो उस वाले, इसने दिए ही दो हैं, इसके नीचे अंडे काफी सारे थे लेकिन दो ही बच्चे दिए, वो भी दिखाता हूँ मैं व्यूअर्स को, ये देखें गाइस ये दो नए बच्चे हैं, ये अभी आपको मैंने दिखाए नहीं थे, एक ये रहा आटो आगे से, ओ माने दूसरा वो रहा ब्लैक, वो देखें ये स्मार्क है, नहीं ऐसे कलर में एक दूसरी थी ना जिसके तकरीबन 6-7 बच्चे थे, वो उसका एक ही बच्चा यार, अच्छा हाँ लेकिन वो बड़ा था, मैंने देखे थे वो रहा, वो देखें बड़ा प्यारा बच्चा है, खूबसूरत है, एक ही वो ये वाली, हाँ वो देखें चील, चील की तरह, वो देखें बिल्कुल बिल्कुल, ये बच्चा है माशाल्लाह, ये सबसे प्यारा बच्चा है इस माँ का, ये बच्चा बड़ा प्यारा और बड़ी जल्दी इसने ग्रोथ की है, वो देखें डॉन दिखा कितना बड़ा होगा, कितनी सी लाए थे ये, देख डॉन नहीं कर गंदा ही जाएगी ऊपर उठा भाग गया, वो देखें गाइस, तो सनान भाई फिर क्या करें, सफाई करें, चलें बिस्मिल्लाह, ये देखें गलनंगे की बीवी मर गई थी, आपको बताया था काफी नुकसान हुआ है हमारा, और जावा वो घूम रहे, जावे के पर सारे टूट गए हैं, तरकी बढ़ के भी, तब इंशाल्लाह मैं और सनान भाई भी डेली आना करेंगे, और ये देखें ये छपरा सारा हमारा टूट गया, नीचे आ गया, ये देखें इसका बांस टूट गया, छपरा नीचे आ गया, अभी सनान भाई इसको भी बांधना है ना, तो गाइज अभी हम लोग करते हैं अपना काम, ये छपरे को बांधना है और उसके अलावा अंदर बहुत ज़्यादा गंदे, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि जब थोड़ी सी सफाई करेंगे, फिलहाल क्योंकि बारिश बार बार हो रही है गंद फिर बन रही है, हल्की फुल्की सफाई करेंगे वक्ती ताकि परिंदे अंदर खुश रहें, क्योंकि बहुत गंदे और परिंदे बहुत तंग हुए हैं, आए दिखाएं, आए सनान भाई इनको अंदर कमरे की हालत दिखाएं कितना गंदा है, ये देखें बाहर भी कितनी गंद है, ये देखें ये हालत है कमरे की, ये गंद देखें आप, ये बारिशों की जैसे हुआ है, तो अभी हम लोग इसकी करने लगे हैं सफाई, कयूम भाई ख़ास हमारे साथ इसलिए आए कि हमारे साथ सफाई करवाएं, और ये सनान भाई भी आए हैं, तो सनान भाई भी स्टार्ट करते हैं सफाई, और अभी हमको इजाज़त दें, आज के व्लॉग में आपको परिंदे हमने कम दिखाए, एक तो हैं ही कम, काफ़ी मर गए, बड़े नुकसान हुए, तो आप सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करें, हमारे चैनल को स्किप मत किया करें, वीडियो को दोस्तों में बच्चों में शेयर किया करें, दिखाया करें अपने बच्चों को हमारे व्लॉग्स, और इसी तरह दीजिए इजाज़त, वो देखें हमारे फार्म पर भी चिड़िया भी आती हूँ, बैठी हूँ ऊपर दरख्तों पर, छोटी चिड़िया आती है, चलें मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा टाटा। देखें इतनी स्लो बारिश हो रही है कराची में, तेज बारिश हो रही है यार, भाई कर रहे थे फार्म भी दिखाया कैसा साफ हो गया, हाँ ये देखें फार्म की कितनी सफाई की है, लेकिन बारिश बहुत तेज हो गई है, तूफानी बारिश, और घर हमारा बहुत दूर है, लगता है रात को यहीं सोना पड़ेगा, हाँ। आग जलाएं, आग जलाएं यहाँ पर आ जाओ, लेकिन फार्म दिखाएं कितनी तेज बारिश और कैसा हरा भरा लग रहा है, सफाई दिखाएं सुना भाई, आगे ट्रैक पे लेके जाओ हिला कर लेंगे मुर्गी के पास, ओ रुक गई, चलो ये फिर हो जाएगी, फिर हो जाएगी, नलका बंद हो गया, नलका खुलेगा फिर हो जाएगी, चलो।